अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डाटा कंटेनर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली एक इस साइकिल व्यू भी है, इस व्यू का नाम। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ई कॉमर्स ऐप को देख लें, ब्राउज को देख लें, किसी भी और को देख लें, जिसमें क्या ऐप प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं। मीन्स पहली भी प्रोडक्ट है, दूसरी भी प्रोडक्ट है, तीसरी भी प्रोडक्ट है, एंड सो ऑन। जस्ट होता क्या है कि एक प्रोडक्ट का डाटा डिफरेंट होता है किसी प्रोडक्ट से। तो इस तरह की चीज़ें शो करवाने के लिए, या आप कह लें कॉन्टैक्ट्स, आप कह रहे हो एक कॉन्टैक्ट है तो उसके नीचे दूसरा कॉन्टैक्ट है, तो लेआउट डिज़ाइन सबका सेम होता है लेकिन डाटा उसमें डिफरेंट होता है। तो ऐसी चीज़ें किसी डाटा कंटेनर के अंदर शो करवानी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं रिसाइक्लर व्यू। तो आइए लगाते हैं यहाँ पे एक रिसाइक्लर व्यू। हमें क्या करना है, इधर बेसिकली इसका बना लेना है ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। अब ये एक फ्रैगमेंट है, तो फ्रैगमेंट के अंदर किसी भी चीज को यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो इसकी ये जो लेआउट है, क्रिएट हो रही है एज अ व्यू, इसको आपने यहाँ पे व्यू में कन्वर्ट कर लेना है और इसमें इसको इंक्रेटर को रखवा देना और इसको रिटर्न कर देना। अब इस व्यू के जरिए बेसिकली हम इसके फ्रैगमेंट के सारे ऑब्जेक्ट्स को, व्यूज को एक्सेस करेंगे, इसके बगैर नहीं हो सकते। तो पहले हम करते थे फाइंड व्यू बाय आईडी, अब क्या करेंगे, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो रिसाइक्लर व्यू के नाम का हमारा व्यू था। ये तो सिंपली क्या हो गया कि सेक्टर व्यू को हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अब एक सिंपल सेक्टर व्यू लगाने के लिए एक अडाप्टर की ज़रूरत होती है। अडाप्टर क्या होता है, बेसिकली वो डेटा को, मतलब डेटा की इमेज से देते हैं और वो हर एक डेटा को उसका एक व्यू क्रिएट करके सेक्टर व्यू के अंदर शो करवाता जाएगा। अडाप्टर कैसे बनता है, इधर ही हम एक क्लास न्यू बना सकते हैं या एक अलग फाइल बना के उसमें भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं माई अडॉप्टर के नाम से एक क्लास बना रहा हूँ। ये एक्सटेंड करेगी किससे, रिसाइकल व्यू के अडॉप्टर से, ठीक है। अब एरर आ रहा है तो यहाँ क्या करूँगा, ऑल्ट एंटर दबाऊंगा, तो मेथड्स कुछ इंप्लीमेंट करने को मुझे ये कहेगा जो कि ज़रूरी है, जिसमें ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के, जब व्यू होल्डर बनेगा तो क्या होगा, डेटा कब बाइंड करना है वो इसमें करेंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, और टोटल आइटम्स कितनी है, टोटल डेटा कितना है जो शो करवाना है वो यहाँ आएगा। इसके अलावा एक और भी हमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बेसिकली कहते होते हैं होल्डर। वो एक्सटेंड करेगा किससे, सेक्टर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बन गया, ये बेसिकली हमारा व्यू होल्डर होगा, ठीक है। होल्डर मींस पूरे सेक्टर व्यू के अंदर जो कह लेंगे, जैसे व्हाट्सएप में चैट शो हो रही होती है या कॉन्टेक्ट्स वाली ऐप में कॉन्टेक्ट शो हो रहे, तो उनमें से जो एक कॉन्टेक्ट होता है वो एक व्यू कहलाता है, व्यू होल्डर कहलाता है। तो वो क्रिएट कहाँ होना है, यहाँ पे होना है, उसमें जितनी भी आइटम्स होगी। हमने फिलहाल क्या करना है, मैं एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग ही लूँगा, लिस्ट लूँगा, और सिंपल जैसे कि पर्सन के नेम्स मैंने शो करवाने, तो वो यहाँ पे मैं करवाऊँगा। अब एक मैं बिल्ट इन आईडी यूज़ करूँगा जो कि होती है टेक्स्ट वन के नाम से, बेसिकली चूँकि वो एंड्रॉयड का एक बिल्ट इन लेआउट हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो आईडी भी एंड्रॉयड के जरिए ही एक्सेस करेंगे हम, एंड्रॉयड का कीवर्ड लगा के। टेक्स्ट वन होता है, सिंपल टेक्स्ट होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुकी स्ट्रिंग वगैरह शो करवा लेंगे। अब लेंथ कितनी होगी, आइटम्स कितनी होंगी, तो यहाँ पहले तो मैं बना लेता हूँ एक लिस्ट,
अलावा हमें कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कि पोस्ट वगैरह शो करवाना हो या कुछ, क्योंकि ये एक क्लास है, इसका अपना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को ठीक किया, दोनों चीज़ें उसमें लेंगे, स्ट्रक्चर बन गया, इनिशियलाइज हो जाएंगी। यहाँ पे मैं लिस्ट का साइज रिटर्न कर दूंगा, इतना हमने डेटा बनाना है, ठीक है। फिर अब यहाँ मैंने एक ये स्पेस एम्प्टी छोड़ी थी, तो यहाँ पे हमने अपना जो माइक होल्डर है वो, उसको बताना है कि ये वाला होल्डर मैं टाइप यूज करूँगा, तो यहाँ पे भी चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ भी नीचे भी कर दूंगा माई होल्डर, ठीक है। होल्डर के जरिए हम क्या करेंगे, बेसिकली कट करेंगे टेक्स्ट व्यू को और उसमें टेक्स्ट सेट कर देंगे, कौन सा नेम्स वाली लिस्ट में से कट करके इस पोजीशन वाला जिसका ये व्यू क्रिएट हो रहा होगा, एक ये चीज़ होगी। तो मेन काम रहेगा यहाँ पे कि हमने उस लेआउट को यहाँ पे इंक्लूड करवाना है और इधर भिजवाना है, जिससे बेसिकली ये वाली IDIT टेक्स्ट व्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो वो मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, वो बेसिकली एक बिल्ट इन स्पिनर की लेआउट है। तो एक्सेस कैसे अप्रूव लेआउट इंक्लूडर टेक्स्ट के जरिए, उसी के लिए क्रिएट हम, उसी के लिए हम क्रिएट ऐसे करेंगे लेआउट इंडिकेटर फॉर गिवन कॉन्टेक्स्ट, रिफ्लेक्ट करवाएंगे हम इस लेआउट को। यहाँ पे बेसिकली ये स्पिनर लेआउट है, जो कोई सी भी करवा ले, यहाँ पे मटेरियल वाली करवा ले, ठीक है। जो ऊपर से आ रहा है पेरेंट वो कर देंगे और अटैच टू रूट कर देंगे फॉल्स, ये व्यू क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे चूंकि हमें रिटर्न करना है माई होल्डर को क्या चाहिए था, व्यू चाहिए था, उसमें ये वाला व्यू भेज देंगे, तो हमारा अडाप्टर हो गया है कंप्लीट। अब इसको सेक्टर व्यू में सेट कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, माई अडॉप्टर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अडॉप्टर को क्या चाहिए, एक तो लिस्ट चाहिए नेम्स की जो हम बना लेते हैं, और दूसरा चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट तो आ जाएगा ऐसे, पर अब लिस्ट रहेगी वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये लिस्ट में यहाँ पे पास कर दूंगा, सिंपली क्या करना है, यही वाला अडाप्टर मैंने सेट करवा देना है सेक्टर व्यू को, रन करके चेक करते हैं। जी ऐप तो रन हो गया लेकिन डाटा शो नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेक्टर व्यू के अंदर ना एक हमें लेआउट मैनेजर की भी जरूरत पड़ती है। लेआउट मैनेजर बेसिकली दो तरह के होते हैं, लीनियर लेआउट मैनेजर भी होता है और एक ग्रिड के लिए भी लेआउट मैनेजर यूज किया जाता है। जैसे अगर ग्रिड व्यू की शक्ल इसको देनी तो हमने, तो ठीक है, इस सेक्टर व्यू को असाइन कर देंगे सेट लेआउट मैनेजर, कौन सा ये वाला, और रन करके चेक करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं जो मैंने इसमें ऐड किए थे, ये है सिंपल तरीन इम्प्लीमेंटेशन किसकी, रिसाइक्लर व्यू। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन।
एडवांस टेक्निक्स को, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।